लक्षिका आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड यानी 3 दिन में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके इतिहास रच दिया है। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी आरआरआर 3 दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है। आरआरआर 3 दिन में 500 करोड़ पार तरण आदर्श ने पोस्ट शेयर कर बताया कि आरआरआर इंडिया की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में पूरी दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक रामचरण तेजा जूनियर, एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर ने तीसरे दिन रविवार को 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। इससे पहले फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार 114.38 करोड़ और पहले दिन शुक्रवार यानी ओपनिंग डे पर 257.15 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रोस बिजनेस किया था। हिंदी वर्जन ने कमाई करीब 75 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरआर लगातार 3 दिन 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कराने वाली पहली इंडियन फिल्म भी बन गई है। वहीं फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 3 दिन में टोटल 126 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है। तरण आदर्श ने दूसरे पोस्ट में बताया कि आरआरआर के हिंदी वर्जन ने इंडिया में तीसरे दिन 31.50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। इससे पहले फिल्म ने दूसरे दिन 24 करोड़ और पहले दिन 19 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। इस हिसाब से फिल्म के हिंदी वर्जन ने इंडिया में फर्स्ट वीकेंड यानी 3 दिन में अब तक 74.50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।